नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त परमदत्त। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पत्नी हमेशा घरेलू हिंसा का केस लगाती है, और घरेलू हिंसा का केस जो है वो डायरेक्टली कोर्ट में दाखिल किया जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये डोमेस्टिक वायलेंस है और इसमें डायरेक्टली समन इशू कर दिए जा रहे हैं। इसमें कैसे अपना बचाव करें और किस तरीके से अपनी बात रखें, आज उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। टेक्निकल चीज है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे हमारा नंबर डिस्प्ले कर रहा है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो डोमेस्टिक वायलेंस सेक्शन 12 के तहत में जो परिवाद दाखिल किया जाता है वो एक कंप्लेंट होती है। कंप्लेंट यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष में कोई भी विवाद प्रस्तुत किया जाता है वो एज ए कंप्लेंट के रूप में ट्रीट किया जाता है, जिसका वर्णन सीआरपीसी 2D के तहत में उल्लिखित किया गया है। लेकिन इसके अंदर पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है जब भी कोई सेक्शन 12 का मुकदमा कोर्ट में दाखिल किया जाता है तो ये पूरी तरीके से कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट किया जाता है। और जब भी कोई कंप्लेंट केस जाता है तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच की जाए, जो शिकायत में जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच की जाए, उन जांचों पे पूरी तरीके से अस्वस्थ होने के बाद में जो प्रतिवादी है यानी पति पक्ष है जो, उनके खिलाफ में समन जारी किया जाए। तो बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं, बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि करें क्या। डोमेस्टिक वायलेंस का जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस की जो कार्रवाई है वो सीआरपीसी के तहत चलेगी। जब सीआरपीसी के तहत चलेगी और मजिस्ट्रेट के पास में कोई वाद गया है, कंप्लेंट गई है, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर इंक्वायरी सेटअप करे या उन आरोपों की जाँच करे। अब वो आरोपों की जांच करने के लिए क्या करता है, डीपीओ की रिपोर्ट मंगाता है, जो डोमेस्टिक वायलेंस में कंपलसरी है। क्योंकि अगर डोमेस्टिक वायलेंस की रिपोर्ट कुछ मायने नहीं रखती है तो फिर जज डायरेक्टली कंप्लेंट पे संज्ञान नहीं ले सकते। बहुत से ऐसे केसेस में हुआ है कि डायरेक्टली संज्ञान ले लिया कंप्लेंट पे और उसके बाद में डीपीओ रिपोर्ट तलब की जा रही है। लेकिन डीपीओ रिपोर्ट कैसे बन के आ रही है, एक पक्षी रिपोर्ट बन के आ रही है। तो यहाँ पे कंप्लेंट केस फाइल किया गया सीआरपीसी 2D के तहत में, कंप्लेंट का वर्णन है, मजिस्ट्रेट के सामने गया है, कंप्लेंट के अंदर में पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है। अब मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि इसमें देखा जाए, सीआरपीसी का फॉलो किया जाए, और इसी के तहत में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में जो प्रोविजन दिया है, लड़की कहती है कि हमारे माता पिता, विटनेस, दहेज के आरोप, बहुत सारे ऐसे आरोप हैं जिनका हम काउंटर फाइल कर सकते हैं। लेकिन कोर्टें क्या करती हैं, एक मैकेनिकल वे में चलती हैं। उनके पास में कोई एक कंप्लेंट गई, परिवाद दाखिल हुआ, उन्होंने क्या किया कि पति पक्ष को समन जारी कर दिया। वो ये नहीं देखती कि आरोप क्या है क्या नहीं है। तो ये पूरी तरीके से 90% जो केसेस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं वो पूरी तरीके से गलत तरीके से चलाए जा रहे हैं, गलत तरीके से संबंध प्रक्रिया हो रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा जब भी वीडियो बनाते हैं तो कानूनी चीज़ों पर वीडियो बनाते हैं और कानूनी चीज़ों को आप लोगों के सामने रखते हैं। तो आज का मेरा जो वीडियो था वो सिर्फ ये इंटेंशन था कि जो कंप्लेंट फाइल की जाती है उसमें डायरेक्टली समन इशू कर दिए जाते हैं, उस समन की वैधता आखिर में कितनी है। अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को मिलना है तो आप लोग हमसे आगरा मिल सकते हैं। नीचे हमारा नंबर दिया गया है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बाकी की जानकारी है वो आपके केस के हिसाब से, आपके मेरिट के हिसाब से हम आपको बताएंगे, और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीआरपीसी फॉलो करोगे तो लड़की के माँ बाप, भाई बहन वगैरह जो भी हैं वो भी फंसेंगे, और कई केसों में हम सफलता भी हासिल किए हैं। और
हम इस तरीके से वीडियो नहीं बनाते, लोग जजमेंट उठा लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जजमेंट उठा के जजमेंट की बातें करते हैं। हम जजमेंट पे नहीं जाते हैं, हम कानून पे जाते हैं जो कानून में लिखा हुआ है, और कानून से ही हमें अपना संविधान निकालना है। जजमेंट बदलते रहते हैं, निचले की अदालत ऊपर, ऊपर की अदालत ऊपर, ऊपर की अदालत ऊपर, ये आदेश पे आदेश बदलते रहते हैं। एक ही कोर्ट के एक ही मेरिट पे, एक ही केस पे कई कई डिसीजन आ जाते हैं, तो हम केस के जजमेंट्स पे नहीं जाते हैं। हम केवल उन्हीं जजमेंट्स को ज़्यादा फॉलो करते हैं जिसमें बाकायदा सिस्टम के लिए एडवाइजरी जारी हो। इसलिए फालतू के मैं वीडियो नहीं बनाता, और ज़मीनी स्तर पर जो आपका बचाव कर सकता है उसी तरीके की हम वीडियो बनाते हैं, ताकि कि अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम आपको फ़ायदा मिले। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि कि आगे हम आपको बता सकें कि किस तरीके से ससुराल वालों को इसी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत में तलब कर सकते हैं, उनको सम्मन करा सकते हैं, उनके खिलाफ़ में केस फाइल कर सकते हैं और अपना लीगल बचाव कर सकते हैं। धन्यवाद।